हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑन एनवायरमेंटल साइंस। दोस्तों, आज हम एनवायरमेंटल साइंस से सोलर एनर्जी के टॉपिक से एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। यह न्यूमेरिकल यूजीसी नेट एनटीए जो अब कहलाता है, उसमें दिसंबर 2019 में पूछा गया था। दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपको और आपके दोस्तों को मेरे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन जो यूजीसी नेट एनटीए में दिसंबर 2019 में पूछा गया था। जो क्वेश्चन पूछा था वो था, सोलर इंसुलेशन ऑन अ रेक्टेंगुलर मॉड्यूल दैट इज 1.5 मीटर इंटू 2 मीटर ऑफ फोटोवोल्टिक सेल इज 550 वाट पर मीटर स्क्वायर। इफ द एफिशिएंसी ऑफ द सेल इज 12%, व्हाट इज द पावर आउटपुट ऑफ द मॉड्यूल। इसमें मैं चार ऑप्शन दिए थे, 396, 240, 99 एंड 198 वॉट। दोस्तों, इसमें हमें दिया है एरिया ऑफ सोलर इंसुलेशन, ठीक है, और इसमें हमें दिया है सोलर इंसुलेशन दैट इज 550 वॉट पर मीटर स्क्वायर, और हमें दिया है एफिशिएंसी 12%। इसमें हमें दोस्तों निकालना है पावर आउटपुट, हमारी पावर आउटपुट क्या होगी। देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व, जो कि गिवन हमें दिया था एरिया दैट इज 3 मीटर स्क्वायर, सोलर इंसुलेशन हमें गिवन था 550 वॉट पर मीटर स्क्वायर, एंड हमें एफिशिएंसी गिवन थी 12%। हमें निकालना है पावर आउटपुट। देख लेते हैं इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। जो इसमें फॉर्मूला यूज होगा, एफिशिएंसी हमें दिया है, एफिशिएंसी को नोट कर लेंगे ईटा से, देन पावर आउटपुट डिवाइड बाय सोलर इंसुलेशन इंटू एरिया इंटू 100। तो हमें एफिशिएंसी गिवन थी 12, पावर आउटपुट हमें फाइंड आउट करना है, और हमें 500 मीटर स्क्वायर दिया है इंसुलेशन, और ये हम एरिया दिया है 3, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा। तो फिर हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, पी नॉट 12 इंटू 550 इंटू 300, ये हमारा 198 वाट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों, यह क्वेश्चन यूजीसी नेट में काफी बार रिपीट किया गया है। इस क्वेश्चन को आप जरूर प्रैक्टिस करें, यह क्वेश्चन बार बार यूजीसी नेट में पूछा जाता है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमें बताएं। धन्यवाद।